हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। मेरे सब खैर से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, और आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। आपको और आपकी फैमिली को मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो यार, आज बहुत डेज के बाद ब्लॉग स्टार्ट करूँ, टाइम ही नहीं मिलता, बहुत बिजी शेड्यूल है। तो आजकल होने लगा है बहुत फन। आज ब्लॉग आपने एंड तक देखना है, क्योंकि ब्लॉग में बहुत मज़ा आने लगा है। तो अभी तो हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं, दिन की उनकी दावत है। हम जाएंगे शाम के टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने लगा है, तो ब्लॉग को एंड तक लाजमी देखिएगा। और वीडियो को अभी से ही लाइक कर दें, अगर पसंद आई है तो भी लाइक करें, नहीं आई तो भी लाइक करें, ठीक है। और ब्लॉग को, वीडियो को, वीडियो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो यार, बाकी बहुत देर के बाद ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि ना थोड़ा पेपर्स आ गए, प्री बोर्ड आ गए। अभी तो बोर्ड के पेपर रहते हैं, प्री बोर्ड आ गए, और फिर थोड़ा बिजी हो गया, यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट देने चला गया, तो थोड़ा बिजी शेड्यूल था। अभी आगे भी बोर्ड के पेपर्स आएंगे, तो थोड़ा मैं बिजी रहूँगा, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद तो आपको डेली क्लासेस ब्लॉग मिला करेंगे, ठीक है। तो बाकी आज का ब्लॉग होने लगा बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। दोस्तों के साथ आपको पता है ब्लॉग मज़ा तो बहुत आता है, मैं तो बहुत इन्जॉय करता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आपको भी बहुत मज़ा आने लगा इस ब्लॉग में, जितना हो सकेगा मैं कैप्चर करूँगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, पता करता हूँ अपने फ्रेंड से कि वो किस टाइम तक फ्री हैं, कब आते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इस ब्लॉग को भी इसी लाइक कर दें। अभी मैं नाश्ता करके बाहर आया हूँ, और देखा है तो ये मीटर के रुस्तम को जो ऊपर लेके आ, मीटर ईद मुबारक बोलो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है, ठीक है, ईद मुबारक। तो ये रुस्तम को भी वॉक कराने के लेके जा रही है। हम अभी जाते हैं कुछ चीज़ें लेने, तो सामान लेकर आते हैं। आपको मैंने बताया था दावत है आज हमारे घर, फिर मैं दोस्तों से कॉल करके पूछता हूँ कि वो फ्री हैं तो हम जाएंगे शाम को। और उन्हें कहो कि हमारे सब्सक्राइब का बटन तो ठोक ही दें। अच्छा, कर देंगे, कर देंगे। हाँ, तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो ये रुस्तम गाइस, देखिए हम इतने मेहनत से इतने मजे मजे के व्लॉग लाते हैं, आप भी हमें सपोर्ट करें, हम इससे भी अच्छे अच्छे व्लॉग बनाएंगे करेंगे। तो यार, मैं जाता हूँ, जाके सामान लाता हूँ, फिर आके आपसे मिलता हूँ। तो यार, अभी मैं रेडी होकर वाकेंट आ चुका हूँ, अभी दोस्तों का इंतजार करूँ। कसम से मैंने दोस्तों को जो टाइम दिया था, वो लोग उस टाइम पे तो पहुँचे नहीं है, गलती मेरी है क्योंकि मैं जल्दी आ गया हूँ। तो अभी उनका वेट करते हैं, वो लोग आएंगे, फिर हम जाएंगे, पहले आयान को पिक करेंगे, फिर आगे से जाएंगे कहीं किसी लोकेशन पर जाके फिट सी पिक्चर्स बनाएंगे ईद डे 3 की। तो आज आपको डे दिखाता हूँ अपने साथ, मेरे साथ रहिए, पूरा ब्लॉग एंड तक देखें। आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने लगा है, और जितना हो सकता है शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, अगर आपको पसंद आई है तो भी, नहीं आई तो भी, ठीक है। और डे 1 का अगर आप मेरा पिक्चर देखना चाहते हैं, तो वो भी आप मेरी इंस्टाग्राम पोस्ट पर जाकर देखें, सिकंदर मलिक 024 पे। तो आज तो डे 3 है, डे 2 की भी पोस्ट लगाइए, जाके देख लें और लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। तो बस आए दोस्त आए, तो फिर आपसे मिलता हूँ। बाकी मौसम देखें, इतना फिट हो रहा है, बिल्कुल धूप चली गई है, बादल आए हुए हैं, सही ईद अच्छी जो है गुजरी है। तो अभी फ्रेंड्स आते हैं, तो मैं आपको मिलाता हूँ, सबसे ईद मिलते हैं बारी बारी। तो यार, ये घंटे बाद देखें, इतनी देर बाद आया मैं, आधा घंटा था। मैंने तुम्हें कहा था मैं बैरियर पे हूँगा, तुम लोगों ने पूरे 3 बजे पहुँचना, समझ आइए, सबका शर्मिंदा ना हो, अंदर से बाहर निकलना। अरे कहना क्या चाहते हो, बैरियर पाया हूँ वो सामने, मैं वहाँ कभी जाऊँ कभी उधर जाऊँ, कभी उधर जाऊँ, कभी आ रहे हैं ये लोग, दोनों आ रहे हैं। मैंने कहा शायद उसके घर ना चला गया, उसका घर पता था, यहाँ खड़े हुए नवाब शाह के बच्चे थी, जो प्यार तो अल्लाह के बंदे। मैंने तो कहा था मैं शरीफ हॉस्पिटल से बैरियर जाऊँ, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। और मैंने उधर से आना था, उधर से उधर नहीं आ रहा था, हाँ तो मैं इस तरफ खड़ा हुआ था कि तू वहाँ से आएगा तो यहाँ खड़ा होगा। चल मैं तुझे माफ किया, चल मैंने माफ किया तुझे, चल आ चले। मुझे लगा उधर से बात को लेकर आएगा, बात ने कहा मैं आऊंगा उसके साथ। तो यार, अभी जाते हैं, पहले एक लड़के को पिक करते हैं, फिर जाते हैं आयान के घर। तो यार, अभी ये बात को पिक करने हैं, ये देखिए बात आ रहा है तैयार होके, इसके बाद जाएंगे आयान के पास। जैसे मेरे चाहिए तो मैं सिर्फ मेरे लिए लाना चाहिए था सारे, ये नौशा का बच्चा वही अंदर खड़ा हुआ था। मैं अंदर खड़ा हुआ देखे इंदर, तुम तो मैंने कहा था कि बात को साथ लेकर आना, एक मिनट उठा कर। तो यार, अभी हम आ गए आयान के घर, ये आयान का बेल बजाओ, ये बात यार अल्लाह करे खोल दे, पता नहीं घर पे है। तो अभी आता है आयान, फिर उससे जाके मिलते हैं। ईद आयान खोलो, सलाम वाजी वाजी, ईद मुबारक, ईद मुबारक, सेम सेम, ईद मुबारक। तीसरे दिन मिले ना,
के बाद मीर आ रहा उसको दोस्त मिल गया था। तीसरे दिन मिले, ये तीसरा दिन का व्लॉग है, इनको पता है। मेरे व्लॉग में कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता। बिल्कुल, बस अभी बेल बजाइए और मैंने दोबारा दरवाजा खोला, बाकी सब कुछ स्क्रिप्टेड। वो दरअसल मेरी स्टोरेज फुल हो गई थी ना, उसे करना पड़ा। यार अभी अभी यहाँ के घर आ गए हम, अभी प्लान थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं और फिर कुछ देर बाद जाते हैं बाहर, पिक्चर्स बनाते हैं सही फिट से और फिर हम जाते हैं कुछ खाने पीने, ठीक है। तो अभी डिसाइड करते हैं कहाँ जाना है, पिक्चर्स को कोई अच्छा सा व्यू ढूंढते हैं सही फिट सा। तो बाकी आया किधर, क्यों तीनों हो जाए क्योंकि पहले तो मेरा जो स्टोरेज है वो भी फुल हो चुकी है और ये सर हम जो डिस्कस कर रहे हैं अयान ने साथ हमारे साथ एक प्रैंक किया था कि इसकी मंगनी हो चुकी है, इसकी शक्ल तो नहीं है मंगनी वाली लेकिन इससे मजा बैंक इधर, मुझे तो पहले से ही पता था। अच्छा, लेकिन ये झूठ है, झूठ। एक तो हाँ, एक पिक्चर में व्हाइट कपड़े, एकदम से टेंट वाली कुर्सियां आ गया। ये तो मैं मार से तो प्रैंक किया रहा हूँ। मुझे किसी साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार, हाथ में आ जा। कजन नहीं दी दी है बिल्कुल भी ना, तो मेरा बड़ा भाई है। इतना बड़ा घोड़ा मैं बता, मुझे अगले ने 1500 रुपया दिया, इस अगले के 4000 हो गई है। 4000 नहीं हुई थी और इसको इतनी किसी ने दी ही नहीं है। अच्छा, एक तो मेरे पास एवी इतनी कम हुई है, ऊपर से मैंने 2000 रुपए ईदी दे भी दी लोगों को, देखो जरा। मैं बता दो, मेरी भी तुम्हारे से ज्यादा हुई है। तू पर लाइक बजे से लेकर मुझे पार्टी अमीर लोग हैं, बड़े लोग हैं। नहीं भाई, मैं 500 रुपए देते हुए कुछ हो रहा है, 500 नहीं देता मैं, 100 देना, दोनों पांच लेंगे आपस में। 100 100 मांगो तो अलग बात है, 500 दे मुझे, बता रहा हूं 500 दे दे दोनों पांच, लेकिन आपस में मुझे 500 दे दे। तो यार अभी मीर को ही दे देता हूं, ये मेरा वॉलेट है, आप इसको पहले मुझे मिलेंगे बड़ा। अच्छा मैं बगैर देखे निकालूंगा जित जो आ गया, बगैर देखे वॉलेट पूरा दे दे फिर, बगैर देखे निकालूंगा, बगैर देखे वॉलेट निकाल। तुझे पता ना तूने कहां कहां रखे, बगैर देखे भी 500 10 का नोट भाई दे दे। जी जी आप क्या कह रहे हैं, मुझे पता है बात नहीं मांगेगा, गजब बेइज्जती है। यहाँ पे ये दो हमारे जो लड़के हैं ना, क्या कहते हैं उनको, कूल बॉयज, टिकटॉक का सेशन, टिकटॉकर्स जो है उनका सेशन स्टार्ट हो गया टिकटॉक्स बनाने का, तो ये बना रहे हैं टिकटॉक, ठीक है। यार अभी हम जाते हैं फिर आपको दिखाते हैं KFC मिलूंगा। तो यार अभी हम लोग पिक्चर्स बना के आ गए थे, मैंने आपको नहीं दिखाया, थोड़ा हम जल्दी में गए क्योंकि बारिश लगी हुई थी, बस जल्दी में गए पिक्चर्स बनाई और अब आ गए। अब हम पिक्चर्स बना के हमें, क्योंकि मैंने आपको कहा था हमने खाना खाने जाना है, अब हम जा रहे हैं KFC। तो बाकी पिक्चर्स अपलोड होगी मेरे इंस्टाग्राम पे सिकंदर मलिक 024 पे जाकर देखें, ठीक है। अब हम जा रहे हैं KFC पे जाके कुछ खाते पीते हैं फिर आप, और जा रहे हैं मेरे साथ बाकी दो बाइक पर चले गए, जा KFC मिलते हैं आपको। यार अभी पहुंचे KFC में, बहुत मुश्किल से करो, एक बाइक में 4 बंदे बैठे हुए थे, बहुत मुश्किल से KFC में पहुंच गए। और ये आप रश देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा रश है, ज़्यादा देखते हैं, पहले तो इतनी लंबी लाइन में लगना पड़ेगा, जाते हैं तो जाते हैं और जाके। तो यार बहुत ज़्यादा रश है, तो मैं अब क्या करूँगा, डायरेक्ट ऑर्डर दूंगा जाकर, हम फिर ऑर्डर का वेट करेंगे फिर आपको दिखाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है। तो जाते हैं ऑर्डर करते हैं, ठीक है, फिर आपको मिलता हूँ मैं। यार अभी हमारे KFC ऑर्डर दे दिया, पीछे रश देख रहे हैं कितनी ज़्यादा रश है, ये देखें। तो अभी मैं ऑर्डर तो दिया हूँ, बहुत मुश्किल से मेरे ब्लॉग नहीं बना सका क्योंकि बहुत ज़्यादा रश थी और यहाँ पे थोड़ा फैमिलीज नहीं है तो अच्छा नहीं लगता। बाकी हम ऑर्डर दें, ऑर्डर आता है आपको दिखाते हैं, बस फिर जल्दी से खाते हैं और घर जाते हैं, बहुत टाइम हो गया है। दरअसल जाना है अपनी नानों घर, इसलिए घर बता के आया था कि मैं 6 बजे तक आ जाऊँगा, 6:30 के करीब टाइम है, इतना परेशान हुआ बैठा मैं। तो बाकी ऑर्डर है, फिर घर फिनिश करते हैं, फिर जाते हैं और फिर बाहर देखें, रात हो गई बिल्कुल। और मेरे मोबाइल की चार्जिंग है 4%, तो मगर इसके बाद ब्लॉग आपको एंडिंग ही मिलेगी क्योंकि टाइमिंग बिल्कुल नहीं है, एक तो ब्लॉग बनाने का टाइमिंग नहीं और दूसरा क्योंकि बैटरी बिल्कुल भी नहीं है।
इसकी बैटरी नहीं है, मोबाइल बंद हो जाएगा। तो बाकी सारे बॉयज वेट कर रहे हैं और ऑर्डर आया था मेरे, आपको दिखाता हूँ अगर मोबाइल बंद हो गया तो एंड को भी ठीक है। तो यार अभी भी ऑर्डर आया है, ऑर्डर आ चुका है अभी ये मीर से बिल्कुल इंतज़ार नहीं हो जा रहा, बस सारे बहुत देर से इंतज़ार करते हैं। अब हम अपना खाना खाते हैं, अपना ऑर्डर फिनिश करते हैं और फिर जाते हैं घर, क्योंकि मोबाइल की चार्जिंग भी एंड होने लगी और देर भी काफ़ी हो चुकी है। तो यार अभी हम आए थे, अपना ऑर्डर आइसक्रीम भी ले लिया और ऑर्डर भी जो है टेक अवे का ले लिया और पाओ ऑर्डर ले लिया और यहाँ पे करने वाला हमने कर लिया। अब हम जाते हैं घर और घर जाके आपसे मिलते हैं, ठीक है। सो गाइस होप सो यू ऑल एंजॉय द व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आप सबको व्लॉग पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो यहीं करते हैं व्लॉग की एंडिंग। बाकी मैं KFC के बाद व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि वो मोबाइल की चार्जिंग एंड हो गई थी, मैंने आपको बताया था। तो आज नेक्स्ट डे अभी मैं जा रहा हूँ एक काम पे, तो मैंने कहा व्लॉग के रास्ते में एंडिंग कर लेता हूँ। थोड़ी बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, ये देख सकते हैं बहुत फिट मौसम है। कल तो इतनी बारिश नहीं हुई थी, कल तो मौसम ही अच्छा था, कल बारिश नहीं हुई, लेकिन आज है day 4। करते हैं व्लॉग की एंडिंग, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और कॉमेंट मस्ट क्या करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी फिर अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगा, अब नेक्स्ट व्लॉग देखें कब आता है, अब आगे पेपर्स भी आएंगे, बिजी हो जाऊंगा। हाँ मेरे कॉलेज का लास्ट डे आ रहा है, लास्ट डे कमिंग सून है, जल्दी आएगा उसका व्लॉग भी आएगा, तो वो बड़ा जो है वो सैड सा व्लॉग होने लगा है क्योंकि लास्ट डे है कॉलेज का, उसके काफ़ी इमोशनल सीन्स भी होंगे। तो चलें आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मेरे लिए आपकी तरफ से यही ईदी होगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएँ ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करें, तो मैं इसी को अपनी ईदी समझूँगा। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।